Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, today we are going to learn about the verbs. तो आज हम verbs के बारे में सीखने वाले हैं. Friends, if you are new watcher here, if you are new watching me, then please subscribe this channel for getting you latest videos. Okay? तो आप इस channel पे अगर नए हो, तो आप इस channel को subscribe कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे latest videos मिल सके. ठीक है, लेट्स वी मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक एंड द टॉपिक इज द वर्ब्स. ओके, आज हम वर्ब्स के बारे में सीखने वाले हैं. वर्ब्स के बहुत सारे जो टाइप्स हैं, वो सब टाइप्स, उसकी सब इंफॉर्मेशन टुडे वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. ओके, सो लेट्स वी मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक द वर्ब्स. सो फ्रेंड, हियर इज द टाइटल द वर्ब्स. अब वर्ब्स के बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. वर्ब्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम वर्ब्स की डेफिनेशन जानते हैं. वर्ब्स क्या होते हैं और वर्ब्स सेंटेंस में कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्ले रोल उनका करते हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन हम इस लेसन में सीखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मी मूव टुवर्ड्स आर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब्स. ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. Verbs are the words that indicate some action, and verbs are most essential part of the sentence. Verbs क्या है? They indicate some action. Verbs क्या करते हैं? Action दिखाते हैं. और ये जो verbs होते हैं, वो most essential part of the sentence. They are most essential part of the sentence. तो ये हमने definition learn की है. क्या? कि जो words जो एक्शन दिखाते हैं, उन वर्ड्स को हम वर्ब्स बोलते हैं और उन्हें वर्ब्स कहा जाता है. और ये जो वर्ब्स होते हैं, ये सेंटेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं. ओके, सो लेट्स सी हाउ द टाइप्स एंड ऑल दैट इन नेक्स्ट. हियर आर द डिवाइडेशन ऑफ द वर्ब्स. सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द वर्ब्स. अब यहाँ पे दो पार्ट्स है वर्ब्स के. एक वर्ब्स है मेन वर्ब, एक पार्ट है मेन वर्ब एंड दूसरा पार्ट है हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द वर्ब. फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड देयर सेकंड इज हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब. तो इसमें दो पार्ट्स है, एक है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब. Okay, so let's we check some information about the main verb. Here is the main verb. Main verb क्या होते हैं? इसकी definition, information, examples, ये सब हम इस main verb के बारे में हम देख रहे हैं. तो main verbs क्या होते हैं? The verb play important role in sentence. जैसे हमने बताया पहले definition में कि verbs जो उनका role है वो important होता है. पर मेन वर्ब में क्या होता है? मेन वर्ब ये एक ही वर्ब्स होती है जो मेन होती है, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती. ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स है और एग्जांपल्स के थ्रू हम लर्न करते हैं इसको. लेट्स सी द एग्जांपल. कुणाल एट चॉकलेट्स. सो दिस एट वर्ब व्हिच इज इन ब्लू कलर, सो एट दिस इज द मेन वर्ब. अब ये कुणाल एट चॉकलेट्स, नॉट कुणाल इज ईटिंग चॉकलेट. तो दूसरा कौन सा भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं लिया है. यहाँ पे मेन वर्ब्स जो फंक्शन करता है वो एट है. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. वर्षा प्लेज क्रिकेट. ये जो प्लेज वर्ड है विच इज इन ब्लू कलर, सो दिस प्लेज वर्ड इज ए मेन वर्ब. ये मेन वर्ब का फंक्शन करता है यहाँ पे. देन थर्ड एग्जाम्पल, द इंग्लिश टीचर टीचर्स इंग्लिश. इंग्लिश टीचर क्या करते हैं? इंग्लिश सिखाते हैं. तो ये टीचर्स, ये जो वर्ड है विच इज इन ब्लू कलर, दैट वर्ड इज मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. ओके, सो द फोर्थ एग्जांपल इज द रिवर फ्लोज थ्रू द माउंटेन्स. रिवर क्या करती है? माउंटेन्स के बीच में से बहती है, फ्लोज होती है. तो ये फ्लोज जो वर्ड आया है
यहाँ पे वो मेन वर्ब का यहाँ पे रोल अदा करता है या फिर उसका जो फंक्शन है वो मेन वर्ब का है. ओके, सो लेट्स सी द हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स. सो हियर इज द टाइटल ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस. अ वर्ब व्हिच हेल्प्स द एक्शन वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब. ये जो वर्ब्स होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं कि नहीं, जो मीनिंगफुल सेंटेंस या फिर ऐसे सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग हमें पता चल सके, इसलिए वो हेल्प्स करते हैं वर्ब्स को. तो इन वर्ब्स को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. अब और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पे उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी के दो टाइप है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड इट्स डेफिनेशन एंड एग्जांपल एंड थ्रू दैट वी कैन अंडरस्टैंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन इज फॉर्म्स एंड ऑल दैट. फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के. कैसे है, टू बी, ये उसका फर्स्ट फॉर्म है. टू बी, टू बी में क्या क्या आता है, am, is, are, was, were, be, been, being. So these are come in first form and that is called to be form. Okay. Second form hai to have form. Okay. To have form mein kya aata hai, have, has, had, having. Ye verbs to have form mein aata hai. Next hai to do. To do form mein kya aata hai, do, does, doing, did or done. Ye sab to do form mein aate hai. To ye प्राइमरी ऑक्सिलरी के फॉर्म्स हमने यहाँ पे देखे. नेक्स्ट वील सी दी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स इट्स एग्जांपल्स. ओके, लेट्स सी दी फर्स्ट एग्जांपल, ही इज अ क्लेवर चाइल्ड. इज, ये जो है इज विच इज इन ब्लू कलर, दैट इज ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी. ओके, देन ही इज गिविंग ट्यूशन टू स्मॉल चिल्ड्रन. Is giving, this is the primary auxiliary verb. Then third, he or she has a new pen. Has, this is the primary auxiliary verb. Then fourth, we do exercise and she also does regularly. So do and does, these are the primary auxiliary verbs. Then fifth example, he had his experience to solve that. So had, this word which is in blue color, that is primary auxiliary verb. Then six, Rohan did his homework. So did, this word which is in blue color, that is primary auxiliary verb. Seventh example, the boys are playing football. Are, this is the primary auxiliary verbs. Okay, so these are the primary auxiliary verbs. Let's see the new topic, that is modal auxiliary verb. So how the modal auxiliary verbs are here. So let's see, the modal auxiliaries are can, could, may, might, shall, should, will, would, must, out to, used to, need and dear. So these are the modal auxiliary verbs. Okay, let's see the example, he should write a letter. So should, this is the modal auxiliary verb, should. Okay, he should write a letter. Should, this is modal auxiliary verb. The next example, Mohan can jump in well. So can, this is the modal auxiliary verb. The next, I could speak him. Could, this is the modal auxiliary verb. Then Dr. Lakshman would join to meeting. Dr. Lakshman would join to meeting. This is the would word, is modal auxiliary verb. Okay. So these are the examples and some information about the modal auxiliary verb that we have taken here. Okay, so let's we move towards the next point, and the point is transitive verbs. Ab ye transitive verbs kya hote hain, akarmak and sakarmak. So ye transitive verbs pehle hai, sakarmak. So transitive, it means what, and intransitive it means what. The first is transitive verb. So let's see the first transitive verb, a verb that shows an action which passes over from the subject to the object.
ऐसे वर्ड्स या फिर वर्ब्स जो क्या करते हैं, एक्शन शो करते हैं, और वो एक्शन सब्जेक्ट से लेके शुरू होती है ऑब्जेक्ट तक, उन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो वर्ब्स सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक इंफॉर्मेशन या फिर एक्शन देते हैं, शो करते हैं, उन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर हियर ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या है ट्रांजिटिव वर्ब? ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या करते हैं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही लाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव अ सिंगल ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे ही ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो सिंगल ऑब्जेक्ट लाते हैं, नहीं तो डबल भी ऑब्जेक्ट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल राहुल राइट्स। ओके, राहुल राइट्स, राइट्स दिस वर्ड इज ए ट्रांजिटिव। ओके, सो हियर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट विथ अ पेन, दिस इज द ऑब्जेक्ट। राहुल इज द सब्जेक्ट, राइट्स इज द वर्ब, एंड दैट वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब विथ अ पेन, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक गिव, लाइक, ऑफर, टेल, आस्क, प्रॉमिस, सेल, लेंड, ओवे, ईटीसी और एक्सेट्रा हैव डबल ऑब्जेक्ट, और इनके साथ क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी प्रोमिस्ड हर टीचर नॉट टू लाई, शी प्रोमिस्ड हर टीचर, हर टीचर दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड नॉट टू लाई दिस इज ऑल्सो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऐसे दो ऑब्जेक्ट लेके भी ये ट्रांजिटिव वर्ब्स आते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब्स। बिफोर दैट वील सी द इनट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब दैट शोज एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट तक उनकी एक्शन नहीं दिखाते, ऑब्जेक्ट तक उनकी एक्शन नहीं दिखाते, उनको इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, द इनट्रांजिटिव वर्ब मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या करते हैं, खुद में ही एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस हमें देते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट, उनको ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये पहले हमने इन ट्रांजिटिव वर्ब देखा, अब इनट्रांजिटिव वर्ब उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें ली है। तो अब क्या करते हैं, ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज संदेश स्पीक्स द ट्रुथ। स्पीक्स, दिस वर्ड इज ट्रांजिटिव वर्ड विच इज इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जो संदेश स्पीक्स द ट्रुथ, ये जो सेंटेंस है, ये जो एग्जाम्पल है, ये इसमें स्पीक्स ये जो वर्ड है विच इज इन ब्लू कलर, so that is transitive verb, and in the right side intransitive verb sandesh speaks to me। ab yahan pe dusra jo example hai sandesh speaks to me, yahan pe direct object nahi aaya, to kya hua hai, subject se kriya shuru hui hai, action shuru hui hai, par direct object mein nahi gayi, wahan pe jo preposition hai wo add ho chuka hai, to preposition ki wajah se wo action direct object नहीं गई है। ठीक है, पर हमने ट्रांजिटिव वर्ब में देखा कि सब्जेक्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक एक्शन जा रही है, संदेश स्पीक्स ट्रुथ। ठीक है, तो ये पूरी जो एक्शन है वो संदेश से लेके यानी सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट यानी द ट्रुथ तक जा रही है, पर इन दी इनट्रांजिटिव एग्जांपल देयर इज संदेश स्पीक्स टू मी। टू ये जो वर्ड आया है ये प्रीपोजिशन है और ये वर्ब के बाद आया है, इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं जाता। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस। शी मूव्स द चेयर, शी मूव्स द चेयर, शी इज द सब्जेक्ट, मूव्स दिस इज द ट्रांजिटिव वर्ब, द चेयर इट इज द ऑब्जेक्ट। लेट्स सी इन राइट साइड शी मूव्स टू चेयर। थर्ड एग्जांपल द गर्ल लेफ्ट द व्हाट्सएप, द गर्ल लेफ्ट द व्हाट्सएप। अब ये गर्ल है जिसने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है, तो ये जो लेफ्ट वर्ड आया है वो ट्रांजिटिव है। इन ट्रांजिटिव में भी लेफ्ट है पर लेफ्ट के बाद प्रीपोजिशन आया है टू, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्शन नहीं शो करता। ठीक है, लेट्स सी द फोर्थ एग्जांपल। सचिन प्लेड क्रिकेट, इट इज इन ट्रांजिटिव।
played. Sachin played cricket. Subject, verb, object. But in intransitive, Sachin played for India. For, this is the preposition after the verb. So that is transitive verb. Let's see the next example. Virendra kicks the ball. Kicks, ये जो है ये transitive verb है. Virendra kicks to the ball. To ये preposition आया है, इसीलिए वो intransitive verb कहा जाता है. ठीक है, तो ये transitive और intransitive verbs के हमने example देखे हैं. Let's see the regular and irregular verbs. So the first example, talk, or it is talk, talk. तो ये regular verbs हैं. Talk, talk, talk. Irregular, speak, spoke, spoken. Second example, walk, walked, walked. Irregular में drive, drove, driven. Okay. Then third, make, made, made. Take, took, taken. Wash, washed, washed. Throw, threw, thrown. Then try, tried, tried. Run, run, run. So here is the regular and irregular. So here are these two verbs. In the regular verbs, talk, talk, talked. Walk, walked, walked. Made, made, made. Wash, washed, washed. Try, tried, tried. So these are the examples of regular verbs and irregular. Speak, spoke, spoken. Drive, drove, driven. Take, took, taken. Throw, threw, thrown. Run, run, run. So these are the regular and irregular verbs. Okay. So another last example. Play, played, played. Choose, chose, chosen. So these are the examples of regular and irregular verbs. Let's see the next, finite and non-finite verbs. Finite verb, the verb which is limited by number and change with the person of its subject, also shows the tense, is called finite verb. ऐसे verbs जो limited होते हैं number के साथ और वो person या फिर subject के साथ change होते हैं tense की तरह, उनको finite verb कहा जाता है. Let's see the non-finite. Non-finite, the verb which is not limited by number and not change with the person of its subject, it's called non-finite verb. ऐसे verbs, non-finite ऐसे verb जो नंबर के साथ चेंज नहीं होते या फिर पर्सन के साथ नहीं चेंज होते, वो वैसे की वैसे ही रहते, उनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है. ठीक है, लेट्स सी, हियर इज द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज मोना रन्स फास्ट. मोना रन्स फास्ट. दिस फर्स्ट एग्जांपल इज इन प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, बट इन नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे होते हैं? Mona has to run. Mona has to run. ये present show नहीं, ये time show नहीं करता, tense show नहीं करता. जो non-finite verb होता है, वो tense show नहीं करता. Finite verb tense show करता है. Let's see the next example. He has gone. ये perfect tense है, present perfect tense. He has gone. यहाँ पे time show होता है और वहाँ पे gone, ये जो verb है, वो third form में है. ठीक है? Non-finite में क्या है? देखो, he tried to go. Go ये जो है वो नॉन फाइनाइट है. Then Rohan had played. Rohan had to play. Then tomorrow will try to work hard. Tomorrow will try. Try, this word is finite verb, and to work, this is the non finite verb. Then they have been trying to work hard. Trying, this is the finite verb, and to work, work, this is the non finite. Then we are going, going, this is the finite because it is in present continuous tense. It is changing with the noun or subject. And to cross, cross, this is the non-finite verb. Then last example, Varsha speaks. Varsha has to speak. Ye last ka jo word hai, example hai, Varsha speak, this is the present tense. And in the non-finite verb, that is Varsha has to speak. So speak ye word jo hai wo non finite verb kaha jata hai. Okay, let's see the next point of this verb. Here is non finite verbs and its divided parts.
तो कौन कौन से डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, लेट्स सी, हियर आर थ्री डिवाइडेड पार्ट्स नॉन फाइनाइट के, इनफिनिटिव, पार्टिसिपल और गेरंड। सो दीज आर द थ्री डिवाइडेड पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। लेट्स सी फर्स्ट इनफिनिटिव वर्ब्स कैसे होते हैं। When the non-finite verb is formed with to plus verb, it is said to be infinitive. हमने कुछ examples पहले देखे हैं इसके। तो infinitive के verbs के example क्या होते हैं? जैसे Shilpa is trying too hard to work hard. ठीक है? तो ये work जो word आया है, ये यहाँ पे infinitive verbs है। It's easy to cut. Then it is healthy to walk. Then Children usually love to play. So these are the infinitive verbs. Let's see. Let's we move towards the next. That is the participle. So here is the a non-finite verb ending with ing is called the participle. Participle क्या होते हैं? जो verb के साथ ing forms लेके आते हैं, जैसे और कुछ ऐसे भी होते हैं partly verbs जो क्या करते हैं adjective के साथ भी आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? डांस, डांसिंग। प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है वो क्या है? डांस का डांसिंग। पास्ट पार्टिसिपल डांस्ड होगा। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल ऐसे वर्क करते हैं अपने सेंटेंस में। द नेक्स्ट द गेरंड, अ पार्ट ऑफ अ वर्ब एंडिंग विद आईएनजी व्हिच डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ गेरंड। गेरंड क्या करता है? एंडिंग में आईएनजी लगाता है पर वो नाउन की तरह शो करता है। कैसे? Example, crying is not good for health. Crying, this is a noun, verb के साथ आया है। The small boy is fond of watering plants. Watering, this is the gerund. Watering a noun की तरह पेश हुआ है। I love cooking food. Cooking ये verb जो noun की तरह है वैसे show करता है पर function उसका verb क्या है? Verb का है। ठीक है, then next, eating is need. So these are the examples of the gerund verb which is coming non-finite. Now let's see the dynamic and stative verbs, the verbs which uses as the present and past continuous tense. It is said to be dynamic verbs. I'm eating chocolates. I am eating. So this word eating, which is in dynamic. Then next example, she was drinking water. Then next, they are going to read. Then next, we are playing football. So eating, drinking, going, playing, these are the dynamic verbs. Okay, so let's see the stative verbs, the verbs where ing form is not used for showing the tense. Yahan pe jo stative verbs mein ing form times ya fir tense nahi show karta. Kaise? Meghna knows the truth. Second example, she loves red roses. अगर मैंने ऐसा लिखा, Meghna is knowing the truth. अगर ऐसा किया मैंने, Meghna is knowing the truth. So this sentence is grammatically incorrect. अगर मैंने दूसरा sentence ऐसा लिखा, she is loving red rose. तो ये जो sentence होगा, ये grammatically incorrect होगा. तो correct sentence कैसा है? She loves red roses. Then next example, he hates her. Then I mean to say that. So ये जो examples है वो stative verbs के हमने अभी देखे। Let's we move to the next part, linking and phrasal verbs. Linking verbs कैसे होते हैं? A verb which connects subject to the complement is called linking verbs. ऐसे verbs जो क्या करते हैं, subject को connect करते हैं complement के साथ, उनको linking verbs कहा जाता है. For example, Sindhu remains silent in the class. Silent ये complement है, subject के साथ आया है, तो ये remains जो word है वो linking verbs है. Next example, humans grow old with time. Grow ये linking verb है और old ये complement है. Then next, Mahin appears ideal in her pink dress. Appears ये जो linking verb है उसके साथ complement ideal आया है. Then next, phrasal verbs. यहाँ पे a verb comes with a preposition or adverb is called phrasal verb. ऐसे words जो preposition के साथ या फिर adverb के साथ आते हैं उनको
फ्रेजल वर्ब कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट बैक माई लॉस्ट बुक. गॉट बैक, ठीक है, ये प्रीपोजिशन के साथ वर्ब आया है, इसलिए उनको फ्रेजल वर्ब कहा गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी ब्रॉट अप द चाइल्ड. ब्रॉट अप, ये जो है वो फ्रेजल वर्ब है जो प्रीपोजिशन के साथ आया है. द हंटर शॉट एट, शॉट एट दिस इज द प्रीपोजिशन कम्स विथ. देन ही गेजेस एट, ये भी प्रीपोजिशन है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल वो एडवर्ब के साथ आया है, प्रीपोजिशन के साथ आए हैं कुछ एग्जाम्पल. इन वर्ब्स को फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. व्हाट वी लर्न इन टुडेज लेसन, वी लर्न द वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स. द फर्स्ट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स हमने देखा, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स देखा, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट देखा. नॉन फाइनाइट में हमने फिर उसके कुछ पार्ट्स देखे, डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब्स देखे, लिंकिंग एंड फ्रेजल वर्ब्स हमने इस वीडियो में सीखे हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, इफ आई होप आई क्लियर माय पॉइंट हियर वेल. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी और एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.